मंगलवार को छाता तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य ने की। शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस क्षेत्र अधिकारी छाता जगदीश काली रमन, तहसीलदार छाता विवेकशील यादव, नायब तहसीलदार राखी शर्मा एवं वन क्षेत्र अधिकारी मेघराज शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासन को कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 5 का मौके पर ही समाधान करा दिया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस में आई हुई शिकायतों और उनके निस्तारण के संबंध में उप जिला अधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की रही। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित तहसील दिवस में आई हुई सभी शिकायतों का अब तक कोई निस्तारण शेष नहीं रहा है। विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि लोग समय से गुणात्मक तौर पर अच्छे स्टेटस के साथ निस्तारण करें, समय से निस्तारण करें। आज की शिकायतों में सबसे ज़्यादा शिकायतें रेवेन्यू विभाग की रही हैं, दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग की रही है, तीसरे नंबर पर विकास और खाद्य विभाग से रही है, सप्लाई से रही है। पिछली जो तहसील दिवस में शिकायतें थीं और जिनमें से केवल 2 का निस्तारण हुआ था, उनमें से पिछली शिकायतों में से कितने का निस्तारण हुआ है? अब पिछली शिकायतों में अभी तक कोई भी निस्तारण विधान शेष नहीं है। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उसमें पूर्ण संतोषजनक नहीं होता, वो स्थिति संज्ञान में आने पर उनका पुनः गुणवत्ता प्रकरण का निस्तारण होता है। अगर ऐसा कोई है तो उनका निस्तारण किया जाए।